सरकार जल्द भर्ती करेगी। मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो वहीं प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस तैयार किया जाएगा। कैश लोडिंग वाहनों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब 5 करोड़ से ज्यादा का कैश लोड नहीं हो पाएगा। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बड़े फैसले लिए गए। जो बड़े फैसले हैं वो टीवी स्क्रीन पर है। नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत हो रहा है, तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो इसमें काम करती है। उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में GSP हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकें। 1 लाख की लगभग 17,000 पद थे, पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं, 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। 1 वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी 1 लाख के पद हैं वो भर जाएं। है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड और वह राशन कार्ड कहाँ पर भी जाए वो चले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको स्मार्ट PDS सिस्टम हम बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले राजस्व महाअभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। अभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं का तुरंत ही समाधान किया जाएगा। तो वहीं CM ने 21 जुलाई को स्कूलों में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाने की बात कही। गुरु पूर्णिमा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है। 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह कुछ कहना है, ये सुनते हैं। ताकि साथ लड़ पाएंगे। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात आता जाता रहता हूँ, जो मिलने आते हैं वो कॉलोन करने आते हैं उनको भी पकड़ता हूँ ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात ने कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है, और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी DG और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां NCB से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और NCB ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मैरिटाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं। ड्रग कहीं पर भी जाता है भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां
और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते हम नहीं जीते। हमने लड़ाई को साझा लड़ना चाहिए, साझे तरीके से लड़ना चाहिए, और हमारी दरियाई सीमा में तो कोई सवाल ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हाईसिस में भी जहां हमारा भूमि लगता है वहां से हाईसिस में भी जाने वाले हर कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहिए। एनकोड के क्रियान्वयन में मैंने 2014 दिसंबर से बहुत भार दिया है, आंकड़े बड़े उत्साहजनक है, और मेरा शुरू से आग्रह था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों पर जब तक काम नहीं करेंगे ये लड़ाई हम सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सभी के आंकड़े बहुत संतोषजनक है। मेरा आप सभी से अपील है कि ये डिस्कशन का फोरम न बने, ये निर्णय का और रिव्यू का भी फोरम बने। जिला की कमेटी बैठते हैं, ऊपर से दबाव है मुख्य सचिव साहब का, इसलिए कलेक्टर साहब मीटिंग करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जिले ने अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे और अपने लक्ष्यों का रिव्यू करना कि मेरे यहां से कितने युवा रिहेब सेंटर पर हमने भेजे, मेरे यहां से आर्थिक अपराध के साथ ड्रग का कनाइवंस कितना केस हमने ढूंढा, कितने केस हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर की एजेंसी को दे दिए। मैं समझ सकता हूं आपके जिले के सीमाओं का आपके पास थोड़ा लिमिटेशन होगा, मगर राज्य को दीजिए, राज्य एनसीबी को दे सकता है, अन्य राज्य की ड्रग विरोधी संस्थान। तो नशे के खिलाफ क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वापस लौटते हैं एमपी, खबरों का रुख करते हैं। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस के नेता आज बड़ी संख्या में थाने पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब थाने में किसी के जन्मदिन के लिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जन्मदिन भी अपने थाने में ही मनाया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर कल कमिश्नर से भी दिग्विजय सिंह मुलाकात करेंगे। बोले के साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। जबलपुर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का शुद्धिकरण किया। पार्षदों ने नर्मदा नदी और लोगों के घर से इकट्ठा किए गए जल का नगर निगम में छिड़काव किया। इन लोगों का कहना था दिग्विजय सिंह के नगर निगम में आने से निगम अशुद्ध हो गया है। दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में नगर निगम में कांग्रेस के एमएलसी से मुलाकात की, यहां वो धरना दे रहे थे। अब बात देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ती मुस्लिम आबादी की, एक बार फिर इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बारे सवाल सीनियर आईएएस ऑफिसर नियाज खान ने उठाए हैं। नियाज खान का कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है वो चिंता का विषय है। उधर इस बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है, बीजेपी समर्थन के मूड में है तो कांग्रेस ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। मुस्लिम आबादी एक बार फिर सवाल। सीधा सीधा आबादी बढ़ने से जीवन प्रभावित होता है और जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है। आईएएस नियाज खान ने भी उठाए सवाल। बढ़ती मुस्लिम आबादी, बढ़ रही समस्या, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। एमपी टू असम, मुस्लिम आबादी पर सवाल। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता। एक बार फिर से मुस्लिम आबादी सवालों के घेरे में है।
लगातार देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी अब हर वर्ग के लिए सवाल बनती जा रही है। सीनियर आईएएस अधिकारी नियाज खान ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। नियाज खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोच नहीं आएगी, केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रित कर सकती है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धरती की आबादी बढ़ रही है, धरती विनाश की ओर पहुंच रही है, भयंकर पर्यावरण संकट आ रहा है। अगर हमारी आबादी सीमित रहेगी तो हम परिवार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे, अच्छी जीवन जी पाएंगे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मुस्लिमों के मॉडर्नाइजेशन के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी था। मुस्लिम आबादी को लेकर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कुरीतियां कुप्रथाएं किसी भी समाज की हों उनमें परिवर्तन होना चाहिए, और जब उसी समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग उनके खिलाफ आवाज उठाता है, चिंतन करता है, तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। कांग्रेस ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा नियाज खान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा था उन्होंने पटल पे, चर्चा हो तो मनसुख मांडविया जी ने कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री ने, कि आप इसको वापस ले लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण में हर समुदाय हर धर्म के लोग योगदान दे रहे हैं। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना अलग दावा है। बीते दशकों में जिस तरह से हिंदू आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब समाज का हर वर्ग मान रहा है मुस्लिम आबादी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्वालियर में बिजली कंपनी ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ बिल वसूली का अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत बिजली कंपनी ने अब बिल बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने शुरू कर दिए हैं। बिजली कंपनी ने चौराहे पर बोर्ड लगाया है जिसमें बटालियन जोन के उन 20 बड़े बकायेदारों के नाम लिखे हैं जिन पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का बिजली बिल बकाया है। इतना ही नहीं, नाम सार्वजनिक करने के साथ ही बकायेदारों को जल्द बिल नहीं भरने पर कुर्की और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिजली कंपनी का ग्वालियर में सबसे ज्यादा बिल बकाया है। अब ऐसे बड़े बकायेदार जो लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अब बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। बिजली विभाग ने यहां बटालियन जोन में जो बड़े बकायेदार उपभोक्ता हैं, लगातार नोटिस के बाद भी जिन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किए, ऐसे 20 बड़े उपभोक्ताओं के नाम यहाँ जो बेटी बचाओ चौराहे पर सार्वजनिक रूप से लिस्ट पर एक बोर्ड बनाकर डाल दिए हैं। भोपाल में तेज बारिश के बाद नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई है। जगह जगह पानी रुक रहा है तो वहीं पुराने भोपाल इलाके में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। नए भोपाल के भी कई इलाकों में जल भराव हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इस बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं मुरैना में पिकनिक मनाने गए 4 दोस्त झरने में फंस गए। टिकटोली धूमदार झरने में ये 4 युवक फंस गए। झरने में अचानक तेज बहाव आ गया। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से इन युवकों को बाहर निकाला। तस्वीरें सिवनी की भी आपको दिखाते हैं जहां तेज बारिश से कुरई की नेवरी नदी में बाढ़ आ गई। कुछ मजदूर नदी के दूसरे किनारे पर फंस गए। ये मजदूर अवैध रेत खनन कर रहे थे, उनका ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया। आइए देखते हैं टॉप 20।